नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हुंडई ने अपनी फेमस एसयूवी करेटा की बड़ी बहन हुंडई एल्काज़र को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी में आपके लिए 6 और 7 सीटर दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। वैसे तो इस गाड़ी को करेटा का ही 7 सीटर वर्जन बनाकर उतारा गया है, लेकिन 7 सीटर होने के वजह से हम इसका कंपैरिजन टाटा की सफारी से करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस का। दोस्तों, हुंडई एल्काज़र की लेंथ है 4500 mm, विड्थ है 1790 mm, हाइट है 1675 mm, व्हील बेस है 2760 mm। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सफारी का। सफारी की लेंथ है 4661 mm, विड्थ है 1894 mm, हाइट है 1786 mm, व्हील बेस है सफारी का 2741 mm। दोस्तों, हुंडई एल्काज़र में आपको 19 mm ज़्यादा व्हील बेस मिलेगा सफारी से। एल्काज़र में आपको 180 लीटर का बूट स्पेस, वहीं सफारी में आपको 73 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के हार्ट का, मतलब इंजन का। एल्काज़र में आपको 1.5 यानी 1500 सीसी का डीजल इंजन मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 113 bhp 250 Nm टॉर्क के साथ। वहीं सफारी में 2.0 लीटर यानी 2000 सीसी का डीजल इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 167 bhp 350 Nm के टॉर्क पर। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी बड़ा डिफरेंट है। सफारी में आपको 54 bhp और 100 Nm टॉर्क ज़्यादा मिलेगा। हुंडई एल्काज़र के डीजल मैनुअल का माइलेज है 20 km/l। एल्काज़र में 2.0 लीटर यानी 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 156 bhp 191 Nm टॉर्क पर। एल्काज़र के पेट्रोल हार्ट में आपको 14 km/l का माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। टाटा सफारी के मैनुअल ट्रांसमिशन का माइलेज है 16.1 km/l और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का है 14.8 km/l। अब एक नज़र डाल लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्यूचर्स पर। सफारी में हेलोजन फॉग लैम्प मिलते हैं, वहीं एल्काज़र में LED फॉग लैम्प मिलते हैं। एल्काज़र में रियर और फ्रंट पार्किंग सेंसर, वहीं सफारी में ओनली रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। एल्काज़र में 360 डिग्री कैमरा, वहीं सफारी में ओनली रियर व्यू कैमरा मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको हुंडई एल्काज़र में 10 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, वहीं टाटा सफारी में आपको 8 इंच का डेस्कटॉप टच स्क्रीन मिलता है। हुंडई एल्काज़र में आपको स्मार्ट एयर प्यूरीफायर भी मिलता है, लेकिन आपको ऐसा कोई ऑप्शन सफारी में नहीं मिलता। सफारी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 4 स्पीकर्स, 4 ट्यूटर्स और 1 सब वूफर मिलता है। वहीं एल्काज़र के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 8 स्पीकर्स बोस के मिलते हैं। हुंडई एल्काज़र में आपको 2 वायरलेस चार्जर मिलते हैं, एक फ्रंट रो में वहीं एक सेकंड रो में। लेकिन दोस्तों, टाटा सफारी में आपको ओनली USB पोर्ट मिलते हैं 3rd row, 2nd row और 1st row में। वहीं आपको सफारी की ड्राइवर सीट 6-way एडजस्टेबल मिलती है, लेकिन हुंडई एल्काज़र की ड्राइवर सीट आपको 8-way एडजस्टेबल मिलती है। एल्काज़र में आपको 64 कलर केबिन लाइट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट। दोस्तों, सफारी में आपको एक एक्स्ट्रा फ्यूचर मिलता है, रेन सेंसिंग वाइपर, जो एल्काज़र में आपको नहीं मिलता। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और दोनों ही गाड़ियों के सेफ्टी के बारे में जानते हैं। एल्काज़र के बेस वेरिएंट से आपको मिलेगा ABS, डुअल एयरबैग, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, डुअल सीट बेल्ट रिमाइंडर, 4 disc ब्रेक मिल जाएंगे। वहीं एल्काज़र के टॉप और मिड वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग। अब बात कर लेते हैं सफारी के सेफ्टी के बारे में। सफारी के बेस वेरिएंट में आपको ABS, डुअल एयरबैग, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, 4 disc ब्रेक्स, डुअल सीट बेल्ट रिमाइंडर। वहीं दोस्तों, सफारी के टॉप वेरिएंट में आपको इस सभी के साथ साथ 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। हुंडई एल्काज़र के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको 10 इंच का स्क्रीन मिलता है, वहीं आपको टाटा सफारी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 7 इंच का स्क्रीन मिलता है। दोस्तों, अब आप खुद ही देख सकते हैं एल्काज़र सफारी से कितनी आगे निकल जाती है।
बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के प्राइस का। एल्काज़र में हुंडई ने भर भर के वेरिएंट्स दिए हैं। एल्काज़र का एक्स शोरूम प्राइस डेली 16,30,000 रुपये से शुरू होता है और टॉप वेरिएंट का प्राइस 19,99,900 रुपये एक्स शोरूम डेली है। एल्काज़र के बेस वेरिएंट पेट्रोल का ऑन रोड प्राइस डेली 19,00,000 से शुरू होता है। वहीं एल्काज़र के टॉप वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 23,65,000 रुपये डेली। अब बात कर लेते हैं टाटा सफारी का। सफारी के बेस मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस डेली 15,00,000 रुपये से शुरू होता है। वहीं सफारी का टॉप वेरिएंट 21,81,400 रुपये एक्स शोरूम डेली है। सफारी का ऑन रोड प्राइस बेस वेरिएंट 17,80,000 से लेकर सफारी का ऑन रोड प्राइस 17,00,000 से लेकर टॉप मॉडल XZA प्लस एडवेंचर एडिशन का प्राइस 25,80,000 रुपये ऑन रोड डेली है। दोस्तों, आपने दोनों के बारे में सब जान लिया है। दोनों के प्राइस में 1 से 1.5 लाख रुपए का अंतर है। अब आते हैं अंतिम निर्णय पर। सफारी में आपको केबिन स्पेस और पावर मिल जाती है, मगर बूट स्पेस और माइलेज नहीं मिलता। वहीं दोस्तों, हुंडई एल्काज़र में आपको थर्ड रो में अच्छा स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन एल्काज़र में आपको बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिलेगा और साथ साथ आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। दोस्तों, हमने आपको इन दोनों गाड़ियों के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद ही फैसला कर लीजिए आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।